हमारी बाइक नहीं अच्छी लग रही है वाली, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। इसमें लगा गूगल मैप सीधा नेपाल, जैसे ही मैंने बताया सीधा सीधा रोड है, साहिबा भी भागने को हो रही है, कहाँ जा रही हो तुम उड़ती हुई? तुझे ऐसा नहीं फील हो रहा कि तू जंग लड़ने जा रहा है? मैं बोझ के तले दबा भाई पीछे जा रहे घूमने भूटान। क्या हो गया? क्या हो गया? देखो लात लगानी होगी तो कैसे लगेगी इसमें लात? 9 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप नहीं आया तो पेट्रोल खत्म। देख 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 जाने। ये देखो मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। हाँ मैंने पैर मारा छेद हो गया। रात के 11 बजे ऐसे जंगल में से निकल रहे हैं। कुछ भी चलेगा भाई, अल्लाह की तहलका मचा दिया तुम तो। बाइक बाइक है ना। इन भाई सबको पता लग गया कि हम जा रहे हैं। ये देखो चप्पल ही नहीं छोड़ रहा। कोको नो गुस्सा, ले ये ले ले जा, ये ले ले जा चप्पल, ले जा ले जा, ले के नहीं जानी इसको, बस गुस्सा निकालना अपना। चल दे मेरी चप्पल। देखो लेट हो रहे हैं, टाइम आपको बताऊं सुबह के 6:28 और यहाँ चल रहा कोको से झगड़ा। साधना गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है सुबह सुबह जल्दी उठ के? इसको भी हमारे साथ कह रही अच्छा है, घर खाली होगा, आराम से चैन से बिताऊंगी 4-5 दिन। और कोको को देखो सबको बारी बारी देख रहा है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज हम पहन रहे हैं हमारे रंग बिरंगे जूते, थोड़ा इनमें दिक्कत होगा शुरुआत के 50-100 किलोमीटर, लेकिन आगे जाके बढ़िया हो जाएगा। लेट लतीफ बंदा दिखाऊंगे, देखो क्या कर रहे हो सुबह से, कमरे से बाहर आने को ही नहीं होते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम फाइनली निकल रहे हैं राइड पे, जो कितने दिन से कह रहे हैं ना आज निकलेंगे कल निकलेंगे आज निकलेंगे कल निकलेंगे, लेकिन आज फाइनली हम निकल रहे हैं। आज हम शायद हो सकता है लखनऊ क्रॉस करें, गोरखपुर स्टे करें या बिहार में कहीं स्टे करें, सीधा गुवाहाटी तो नहीं पहुँच पाएंगे, कल हम गुवाहाटी पहुँच जाएंगे, देखते हैं 2 दिन लगते हैं 3 दिन लगते हैं, उसके बाद गुवाहाटी से हम एंटर करेंगे भूटान, भूटान पूरा घूम के एक बॉर्डर से घुसेंगे दूसरे बॉर्डर से निकलेंगे। बहुत लंबा चौड़ा प्लान है, सारा का सारा दिमाग में है, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। बस फिलहाल के लिए इतना ही, रेडी होते हैं बाइक पे सामान बांधते और गायब हो जाते हैं। का भाग रहा, का भाग रहा। जैसे दरवाजा खोला ना सामान नीचे लेके जाने के लिए, सबसे पहले कोको भागा, ये साधना पीछे पीछे भागी, वो तो शुगर है नीचे वाला डोर बंद होता है नहीं तो भाग जाता। तू कहाँ जा रहा था कोको? साथ में जाना है। इसको डाल के ले जाए पैनियर में। फिर भाई शुरुआत में जब मैं राइड करता था ना मेरे को बैग बांधने बहुत मुश्किल लगते थे, फिर एक दो राइड करी फिर मेरे को ईजी लगने लग गए, उसके बाद ये पैनियर आ गए अब और ईजी लगने लग गए। चल बाय वकील, जयपुर पहुंच के फोन कर दियो। ठीक है भैया, कोड है 4468। चलो भाई फाइनली सामान सारा सेट, साहिबा का सामान साहिबा की बाइक पे, मेरा सामान मेरी बाइक पे, आमिर का सामान आमिर की बाइक पे, और बाइक को एक बार कोल्ड शॉट कर लेते हैं, कम से कम इसको भी 10 मिनट लगेंगे गर्म होने में ना। दीदी जा रही थी बोलो साइकिल चलाने, और हमारी बाइक का भी वार्म अप हो चुका है, अब सीधा आपको मिलेंगे मोटो व्लॉग में। चलो लेट्स गो, टाइम एक बार बताया तो आप, एग्जैक्ट सुबह के 7:05 और हम लोग निकल रहे हैं। चलो ओके जोहर भैया, ध्यान रखना ठीक है, लॉक लगा लेना। चलो भाई चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा मीन्स 1/2 आवर, और हर्ष मिलेगा अपने को धोला कुआं, उसके बाद खन्ना मिलेगा अपने को नोएडा DND टोल पे, और अपने को अपना इंटरकॉम भी पेयर करना था, टाइम नहीं मिला, अभी धोला कुआं पहुँच के कर लेंगे, पहले एक बार वहाँ पहुँच जाते हैं, किसी को वेट कराना अच्छा लगता है, और वो भी सुबह सुबह जब राइड पे निकलना हो। सूर्य देवता एकदम चमचमाते हुए, आज हम दोनों ना बराबर टाइम से निकले हैं, सूर्य देवता भी हम भी साथ साथ में निकले हैं, वो भी बाहर आए हैं और हम भी घर से बाहर निकले हैं। लो जी फाइनली पहुंच गए हम लोग हाईवे पे, और चलते चलते हमने अपना इंटरकॉम भी कनेक्ट कर लिया है, और क्या सुंदर लग रही है ना सुबह सुबह बाइक के राइड पे जाती हुई, होए 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 दिल खुश। तुम्हारी तो बहुत ही सुंदर लग रही है भाई, अलग ही लग रही है, बैग भी सही बंधा हुआ है, एक नंबर लग रही है, मतलब लग रहा है रोड पे कुछ अलग ही चीज़ चल रही है, बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन, मेहनत सफल हुई हमारी। बस सुबह सुबह जल्दी निकलने का यही फ़ायदा होता है, हाईवे अपने को एकदम खाली मिलता है, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ हैं कैब वगैरह, कोई एयरपोर्ट जा रहा होगा कि किसी काम से जा रहा होगा, नहीं तो इतना हाईवे कभी भी खाली नहीं मिलता। तो घर से करीबन करीबन 25 किलोमीटर आ गए हैं, मेरे को ना इसका ट्रिप जीरो करना आ ही नहीं रहा था, काफ़ी टाइम बाद चला रहा हूँ ना, समीरा नहीं चलाता था ये बाइक, मैं दूसरी चलाता था,
लेकिन फाइनली मैंने ढूंढ लिया और ट्रिप को कर दिया जीरो। अब आपको बताऊंगा आज कितने किलोमीटर चलाई, एग्जैक्ट आपको पता लगता रहेगा। पहुंच गए हम लोग मोती बाग वाले पेट्रोल पंप और सामने गुरुद्वारा। बाबा जी कृपा करना, अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं। हर्ष मेरे को नज़र नहीं आ रहा, हर्ष को बोला तो था यहीं मिले, आई थिंक अभी तक पहुँचा नहीं। तब तक हम पेट्रोल रिफिल करवा लेते अपनी अपनी बाइक में ना। लोगों के फुल कर दो, फुल सबके ग्रुप में ना एक आधा लेट लतीफ तो होता ही है। जैसे हमारे ग्रुप में अभी हर्ष बना हुआ है, उसको मैंने घर से निकलते हुए फोन किया था, उसके घर से 20 मिनट का रास्ता है, हमारे घर से आधे घंटे का रास्ता है। मैंने बोला निकल ले टाइम से, अरे भैया निकल गया मैं, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा, पेट्रोल भी डलवा लिया तीनों बाइकों में, अभी तक नहीं आया। अब देखते हैं कितनी देर में आ रहा है। वहां पर खन्ना कह रहा है मैं भी पहुंच गया हूं, पता नहीं सच कह रहा झूठ कह रहा, वहीं जाके पता लगेगा। छोटा था क्यूट सा बेबी, फोटो लेने आया। आपको हमारी बाइक नहीं अच्छी लग रही है? ये वाली ये ज्यादा अच्छी लग रही है। इस बार ऐसे होने वाला, हमारी बाइक किसी को नजर ही नहीं आएगी जब तक ये साथ चलेगी ना, क्योंकि अलग ही सुंदर लग रही है ये। ये देखो, शर्म तो नहीं आ रही होगी? कितनी देर हुई है? 15 मिनट। झूठ मत बोलो भाई। कितनी देर हो गई खड़े हुए? हेलमेट उतार दिया, ये बांध लिया, ठाठा उतार दिया, सॉरी। हाँ बस ठीक है, बात खत्म। लेकिन सही लग रही है, इन्हें बैग वैग इतने सही बांधे हुए एकदम ना। सातवीं आठवीं राइड है, कुछ तो एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ ये बात है, सातवीं आठवीं राइड है, कुछ तो एक्सपीरियंस है। ये भी सही है, ये भी सही है। चलो बाबा जी से प्रे करते हैं हमारी राइड अच्छे से हो जाए, अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं। आप लोग भी जितने बंदे देख रहे हैं हमारे लिए प्रे करना। और नोएडा टोल दिखा रहा है यहाँ से 20 मिनट और लगेंगे, जहाँ हमारा पाँचवा साथी मिलेगा, उसके बाद पाँचों गायब हो जाएंगे। जाम लगने लग गया ना हल्का हल्का, जैसे जैसे लेट होता जाएगा जाम लगता रहेगा और निकलने में मुश्किल होएगी। बढ़िया लग रहा है, हमारे देश का तिरंगा लहराता हुआ, अच्छी खासी हवा चल रही है। अभी और थोड़ी देर में इतनी धूप हो जाएगी ना, फिर गर्मी लगने लग जाएगी। अभी हल्की हल्की ठंड लग रही है। तो भाई फाइनली पहुंच गए हम खन्ना के पास। और ये जमीन पे क्या बैठा हुआ है? लग रहा है इसके पेट वेट में दर्द हो रहा है। भाई जमीन पे क्या बैठा हुआ था? पोटी वोटी तो नहीं आ रही थी सुबह सुबह? लेट हुआ ना तू? शर्म आ रही है, मैंने आधे घंटे पहले। वो हरी बाइक वाला बहुत लेट हुआ, उसको दो गालियां देकर आ जा बस। जैसे मेरी बाइक पे दूध के डब्बे लगे हुए हैं, इसकी बाइक में भी लगे हुए हैं। उसको देखो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है रोड पे। चावल और आटे के, इसमें चावल है, इसमें आटा है, और इसमें क्या भाई? गैस स्टोव वगैरह। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बनाना भी तो है। और आमिर भाई के बैग में मैगी वैगी है, सारा सामान है। गूगल मैप लगा ले यहाँ से। ब्रदर सब कुछ चेंज है। गूगल मैप इसमें लगता है क्या? वायरलेस है ब्रो, वायरलेस चार्जिंग। इसमें लगा गूगल मैप सीधा नेपाल। प्लान चेंज। यहाँ से अब हम जाएंगे नेपाल। भी हम अपनी बाइक रेडी करके आते हैं ना लॉन्ग राइड के लिए, पहले एक दूसरे की बाइक देखते हैं। अच्छा तूने पहने लगा लिए, तूने ये वाले जूते पहन लिए, ये वाला हेलमेट, ये वाला गॉगल। मजा आता है देखने में ना, कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है। भाई साहब ये क्या बना रखा है भाई ने बाइक को, अलग ही दिख रही है, अलग ही। लेकिन सही है, बढ़िया लग रही है। लो जी लो, आप सभी का स्वागत है यमुना एक्सप्रेसवे पे। और अपन देख ले जरा साइड मिरर में, सारे राइडर आ रहे नहीं आ रहे अपने? हाँ सब के सब आ गए हैं, बहुत बढ़िया। बाइक्स लॉन्ग राइड पे जाती है ना, कितने सुंदर सुंदर लगती हैं। ये देखो क्या सही लग रही है, पैनियर वैनियर लगे हुए हैं, इसमें साइड बैग लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया लग रही है। और अपन कर देते हैं क्रूज कंट्रोल को ऑन। 500 किलोमीटर सीधा सीधा रोड है, कहीं नहीं मुड़ना अपने को, आराम से बैठो। बस चाय वाय और मिल जाती ना अपने को, यहाँ पर आराम से कप रखते चाय पीते हुए जाते। जैसे ही मैंने बताया सीधा सीधा रोड है, साहिबा भी भागने को हो रही है, कहाँ जा रही हो तो मुड़ती हुई। जैसे ही मैंने बोला सीधा रोड है, ये शाय करती हुई यहाँ से निकली। हाँ जाओ जाओ जाओ,
कोई नहीं रोक रहा। अभी हाईवे पे ना हम एक स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं 120-125। जब तक हाईवे पे मेंटेन कर सकते हैं, जब किसी शहर वहर के अंदर गुजरेंगे सारी स्पीड की ऐसे ऐसी हो जाती है, तो जितना रास्ता हम हाईवे पे कवर कर सकते हैं उतना बढ़िया। तो यहाँ आ चुका है हमारा पहला टोल, और आई थिंक यहाँ पर ना बाइक के पैसे भी लगते हैं। आई थिंक क्या मेरे को याद ये लगते ही है, कहाँ गई बाइक वाली लेन। ओ भाई पूरी बाइक आ जाएगी, आ गई आ गई आ गई। कितने एक बाइक के? 60 रुपए एंड तक 200 205। पाँचों के कितने हो गए? पाँचों के पेटीएम है, कैश है, पेटीएम का कोई चक्कर ही नहीं। तो अभी जब से सुबह से हम निकले हैं, हम सब ने अभी पैसे कंट्रीब्यूट नहीं करे, अपने अपने मिला लेंगे, उसके बाद उसी में से खर्चा करते रहेंगे, जब ख़त्म होएंगे फिर और मिला लेंगे। नहीं तो ऐसे अलग अलग देते रहो ना, पहले मैं 500 का नोट दूँ, फिर दूसरा बंदा 500 का नोट दे, वो बेचारा खुला देता रहेगा और टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया एक ही बंदा सारे पैसे देता रहे ना। एक वीली भाई, वीली एक वीली भाई, भाई प्लीज भाई वीली 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 एक एक पहिए पे। तुझे ऐसा नहीं फील हो रहा कि तू जंग लड़ने जा रहा है? मैं बोझ के तले दबा भाई पीछे। इससे एक बार थोड़ा बाहर आ, तो पहले निकल के बाहर आ, तो बीच में ना फंसा हुआ है, अब थोड़ा घूम। ये देखो एक बैग पीछे टांगा हुआ है, एक आगे टांगा हुआ है, एक बैग पीछे, एक वो जैकेट। और ये जैकेट के नीचे क्या क्या पहन के आया भाई? एक स्वेटर भाई साहब, ये जैकेट उतार दूंगा तेरे को देख के, मेरे को ऐसा लग रहा है बस अभी जंग चालू होने वाली है। गोली लगेगी, वो है बुलेट प्रूफ। भाई हेलमेट के साथ खींचे फोटो, हेलमेट के साथ तभी बढ़िया आएगी। मतलब तू मेरे को हेलमेट उतारने नहीं देगा है? हाँ मैं यही चाहता हूँ कि तू ना उतारे और हम आगे चल ले। क्योंकि यहाँ पर एक भी बंदे ने हेलमेट उतारा ना, सबने अपने अपने हेलमेट खोल देने, 10-15 मिनट फिर कहीं नहीं गए, हो सकता है आधा घंटा भी हम यहीं खड़े रह जाए। हेलमेट मत उतारो, आराम से बातें बातें करो और चलो। चलो भाई चलो। तो भी हम देख रहे थे ब्रेकफास्ट कहाँ करें, जो आगे आगरा वाली रोड शुरू होती है ना, मतलब आगरा टोल आने से पहले ही जो पहला टोल आता है वहीं पर खाते हैं हर बार ना। करीबन 300 किलोमीटर बाइक भी चल जाती है, थोड़ा ऐसा भी होता है कि हाँ हमने बाइक चला लिया और भूख भी लग जाती है अच्छी खासी। चलो भाई बाय 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 बाय, मैं तो चला। भाई साहब आगे ये हैरियर जा रही है, क्या ही धुआं फेंक रही है, ये तगड़ा ही धुआं फेंक रही है, आग उग तो नहीं लगने वाली, अलग ही धुआं फेंक रही है अलग ही। तो भाई साहब बस वाला रुका हुआ, देख कर आना। ओके ये रही बाइक वाली लेन, तो यहाँ पर हमें वही पर्ची दिखानी पड़ेगी, सब ने अपनी अपनी पर्ची संभाली हुई है ना। कैसे हैं? ठीक दम। कहाँ चल रहे हो? जा रहे घूमने भूटान, आओ ले चलें आपको भी। टाइम कहाँ है, छुट्टी नहीं मिल रही है? ये बात भी सही है, तुमने पूरा लीड उतार लिया। ये आमिर भाई जा रुकते हैं सबसे पहले हेलमेट खोल के खड़े हो जाते हैं। अभी तो हमने खाली 200 किलोमीटर चलाई है, 734 किलोमीटर और चलानी है आज। 200 चला ली है, 734 और जाना है, इसमें सब सिस्टम चलता है A to Z। फोन भी चार्ज हो रहा है, किलोमीटर भी दिखा रहा है A to Z। ये हम जैसे रोड पे चल रहे हैं वादिया दिखा देते हैं, पेड़ दिख गए, चिड़िया दिख गई, कोई अच्छा दिख गया सुंदर सुंदर तो वो दिखा देते हैं इससे। जो रास्ते में आपको हैरियर दिखाई थी ना, पता नहीं धुआं फेंक रही थी, क्या फेंक रही थी, ये देखो बाइकों पे कैसे निशान डाल दिए हैं। मेरी बाइक पे नहीं है, ये देखो सारी बाइकों पे, ये देखो हाँ सारी बाइकों पे डाल दिए उसने, ये देखो पता नहीं क्या तेल फेंक रही थी, क्या फेंक रही थी, गंदा गंदा। कुछ नहीं यार, वो ना एक आइटम थी जो फेंक रही थी। चलें फिर, चलिए फिर मिलेंगे, थैंक यू। वो एक चीज होती है ना जो बंदे ऐसे हाथ में रगड़ के खाते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो गुटका सा जो भी होता है, वो पुलिस वाले भाई साहब वो खा रहे थे, जैसे उन्होंने देखा ना कैमरा लगा हुआ है, उन्होंने ऐसे हाथ में पड़ के पीछे छुपा लिया कि अब ये निकलेगा तो खाऊंगा, फिर उन्होंने अब खाया होगा। तो मैंने सोचा था आगरा पहुंच के खाएंगे जब आगरा का पहला टोल आता है ना,
लेकिन सबको हल्की हल्की भूख लग रही है तो यहीं खा लेते हैं। जहाँ जाते कोको मिल जाता है आपको, चाटे का कोई नहीं, चाटे क्या नाम है इसका, मैक, मैक, मैकबुक है भाई ये। तो कितना प्यारा है ना, अभी इतने में तो कोको होता ना तुम्हारी तो मैं बताऊँ। ले जाऊँ मैं आपको साथ, चलोगे घूमने? क्या शरीफ सा ना, आराम से बैठा हुआ, कोई मतलब नहीं है, जहाँ मर्जी ले जाओ, किसी के साथ चला जाएगा या आप लोग के बाइक पे भी चला जाएगा बैठ के। कर ले तेरे को किडनैप। नहीं मैंने इसे खुद से ट्रेन किया है। अच्छा खुद से ट्रेन, हमारे वाले को भी कर दोगे क्या? एक बारी करके देख दो। मैक सर अप भाई साहब, बिल्कुल सर अप। वो बता रहा तुमने मेरे को ट्रेन नहीं करा, मैं खुद हुआ हूँ, जैसे तुमने बोला ना बुरा मान गया वो। क्या हुआ? जब मैं घर पे गया था ना दुकान पे, तब ये चश्मा मेरे को मिला था। कैसा लग रहा है गाइस? मेरे पे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, थैंक यू। कैसे लग, फिर मिलेंगे। तेरी शकल कम चश्मा ज्यादा। ले भाई ले 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 तू ले ले। अब तू गया, अब तू गया, अब तेरे पे करूंगा काला जादू। इधर आ जा, जल्दी बताओ किसने क्या क्या खाना है, मैं अपने पैसों में से खिलवा रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी बताओ किसने। एक्चुअली हमने यहीं पर ना कॉन्ट्री कर लिए, 5,000 सबने मिला लिया। अब जब तक ये चलेंगे चलेंगे, उसके बाद 5,000 दोबारा मिला लेंगे। चलो भाई चाय तो अपनी आई नहीं, चम्मच से चीयर्स कर लेते हैं। हमारी राइड के नाम, बस इन्होंने राजमा चावल खाए, मैंने खाए छोले भटूरे। भटूरे ही भटूरे नजर आ रहे, छोले तो नजर ही नहीं आ रहे। देखो ये आमिर भाई खा पी के ना दूसरे टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, किसी और के टेबल पे। अब वहाँ पर खाएंगे उनका, फिर वापस मैं बताऊँ, वो गैस छोड़ते हैं कोने में जाके। अच्छा यहाँ बपका ना है ना, तभी आस पास का टेबल ना बिल्कुल खाली हो गए, पहले वहाँ भी फैमिली बैठी हुई थी, सब गायब हो गए। चलो भाई आमिर भाई ठीक हो? चलो भाई लेट्स गो, एक बार यू टर्न मार ले, फिर आपको टाइम बताता हूँ। चलो चलो मेरे दोस्तों, टाइम हो चुका है 11:21 और 734 किलोमीटर हमें जाना है, जो कि हमने सोचा हुआ आज बिहार तक लगा देंगे, जहाँ का गूगल मैप लगा हुआ है गोपालगंज का। बाकी देखते हैं जहाँ तक पहुँच पाए वहीं तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे। ताजमहल जाने के लिए सीधा जाए, कानपुर भी सीधा, कोलकाता सब कुछ ही सीधा है, तो बोर्ड लगा ही क्यों है जब रोड ही सीधी है। तो यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है और हल्की सी ब्रेक मारेंगे। आमिर भाई मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ओ भाई साहब, किसी ने यही उड़ा रखा डब्बा, ये कोने में होगा, ये देखो घसीट के कहाँ तक ले आया, तगड़ा ही मारा होगा। आमिर कहाँ गया, नहीं नज़र आया ना? चलो तुम लोग आगे चलो, मैं आमिर को लेकर आता हूँ, फिर मैं यू टर्न मार के देखता हूँ कहीं गलती से सीधा चला जाए ना, फिर वापस भी नहीं मुड़ पाएगा बहुत आगे तक। देखो 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 सीधा जा रहा है, देखो देखो देखो, इतनी स्पीड में था, अगर मैं यहाँ ना होता ना 101% ये सीधा जाता, 101%। चलो मेरे भाइयों मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। ये देखो हाईवे पे दूर से ही हनुमान जी नजर आ रहे हैं, कोई मंदिर होगा, क्या बड़े विशाल बनाए हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं। अपनी छाती में से राम जी और सीता जी को भी दिखा रहे हैं। ये लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना, ये सारी चंबल की घाटी होती थी, अभी भी आई थिंक इसको चंबल की घाटी कहते हैं। यहाँ पर बहुत डाकू रहते थे पहले किसी टाइम पे, देख रहे हो बीच में भी सारा तोड़ फोड़ दिया, कैसे सा हो गया, पूरे छोटे छोटे पहाड़ बने हुए थे, छुपने की जगह थी बीच में। वो ट्रेन की पटरी दिख रही है उधर कॉर्नर पे, बीच बीच में ऐसी चीज़ें दिखती रहती ना, आपको ये बताता रहता हूँ, क्योंकि हर कोई बंदा हमारी तरह ट्रैवल नहीं कर सकता, जो ट्रैवल नहीं कर रहा वो हमारी नज़रों से देखता है दुनिया को, तो उनको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या चीज़ है। कितने एंड तक? बिल्कुल लखनऊ सभी का। एक बाइक का कितना है? 330। 5 ट्रक के ऊपर ये पंख कैसे लगाए हुए ना, ऐसा लग रहा है मोर के पंख है, और हिल भी कैसे रही है देखो। वो भाई आगे से क्या सही लुक आ रही ट्रक की, बढ़िया लग रहा है। कितना चलेगा? 50। तेरी 30 किलोमीटर? नहीं नहीं फिर डलवाया, तुम्हारी 50 है। हाँ हाईवे पे आएगा 70-80 किलोमीटर बाद, तुम जहाँ से ऊपर चढ़ोगे मैं तुम्हें वहां भी लूंगा। अब
हम दोनों की बाइक में तो पेट्रोल है, तुम्हारी रेंज कितनी दिखा रही है? 157 किलोमीटर ना, ठीक है, मेरी दिखा रहा है 299 किलोमीटर। चलिए हाईवे से नीचे उतरे, यहाँ पर एक छोटा सा टोल है, पहले टोल के पैसे देने पड़ेंगे शहर के अंदर एंटर होने के। वो सामने पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, वहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे, फिर वापसी आगे टोल देके फिर ये हाईवे पे चढ़ेंगे, हम इनको आगे ही मिलेंगे। अब तक बाइक वाइक रोक के पानी पी लेते, गर्मी अब बहुत ज़्यादा हो गई है। जब घर से निकले थे सुबह टेम्परेचर दिखा रहा था 11 डिग्री हाईवे पे, और अभी दिखा रहा है 26 डिग्री। भाई साहब 26 डिग्री, 20 रुपया दे दो पेट्रोल कर रहे होगी। हाँ? सरकार तो अमीर होगी। हाँ, सरकार तो अमीर होगी। ये कितना लिया टोल यार, आने के टाइम पे और जाने के टाइम पे 20 रुपया, पता है पेट्रोल जो भरा 20, टोटल 20 40 40 रुपया। टोल है ना, मेरे को लगा था 50-60 रुपए है। अब भाई चलो लसट गो अपनी मंजिल की ओर। ये क्या जा रहा है भाई, तगड़ा ही है, कुछ पूरा लपेटा हुआ है लेकिन तरपाल फट चुकी है, तगड़ा ही है भाई। टायर देखो ना, कुछ तगड़ी मशीन है। आई थिंक बारिश बुरी से बचाने के लिए तरपाल ढकी हुई है, या किसी को पता ना लगे उसकी वजह से ढकी हुई है। आमिर भाई का ये बैग भी सही लग रहा है, एकदम सही बंधा हुआ है। खन्ना के पैनियर भी एकदम सही है। ओके, यहाँ लगा दी है आमिर भाई ने ब्रेक। तो देखो भाई, अपने साथ जितने सारे राइडर होते हैं ना, तेल नहीं है इनमें, लास्ट वाली ब्लिंक कर रही है, इन्होंने बताया भी नहीं पेट्रोल नहीं है। जितने सारे राइडर होते हैं ना, उतना थोड़ा राइड में भसड़ होती है। ये देखो खन्ना को फोन करना याद आ गया है, और सामने खेती बाड़ी चल रही है। भाई किसने कहा रुकने के लिए, तू इधर आ, तू मेरे को बता किसने कहा? खन्ना जी ने, खन्ना ने। बस क्या भगवान ही कसम खा ले भगवान की, मैंने बोला वो कॉल कर रहे तो मैं भी कॉल कर लेता, मेरा भी फोन बच जा रहा। समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, बंदा कॉल कर रहे, मैं कहा भाई मैं भी कर लेता हूँ। आमिर भाई और खन्ना आपस में बात कर रहे हैं बड़ी देर से ना। अरे दोनों इंटरकॉम कनेक्ट कर लो ना, फोन पे के बात कर रहे हो। हालांकि 20 किलोमीटर चलते नहीं, इनको ब्रेक मारने की पड़ जाती है। पहुंच गई है, 750 किलोमीटर और जाना है। अच्छा मैं नजर नहीं आ रहा हूँ ना, अब नजर आ रहा हूँ। 750 किलोमीटर और जाना भाई, 750। क्या हो गया, क्या हो गया, कान हो गया है, कांड हो गया, क्या हुआ है? ये कान में दर्द होना शुरू हो गया, क्यों पता नहीं क्या लग रही है। क्या हो गया, तबीयत ठीक है? हेलमेट से हो गया है। यू टर्न मारे क्या? हाथ लगा नहीं, हंस रहा है यार, हंस रहा है। ये तो हाथ लगाने से भी लग रही है। क्या हो गया दिखाओ एक बारी, कैंसिल सही। तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है क्या? कभी इनका फोन आ जाता है, कभी इनको पानी पीना है, कभी इनको मुंह, कभी अब इनके कान में दर्द होने लग गया है। अब देख, अब इनको जूस पीना है। अभी सुसु आ रहा था तुम्हें, सुसु गया, पहले जूस पियेंगे, ये खत्म ना हो जाए ना जब तक जाऊं। पहले सुसु छोड़ो, पहले जूस लाओ। चलो भाई अब नहीं रुकेंगे 20 किलोमीटर से पहले। हर 20 किलोमीटर में तो रुक रहे, और क्या बोलूं। अब 20 के करीबन करीबन 22 किलोमीटर चलाना, दो फालतू भगवान के लिए प्लीज। और आमिर भाई यहाँ रुक के, आमिर ने सुसु भी नहीं करा, सबसे मेन चीज। चलते चलते ऐसे इशारा करा, सुसु आ रही है, यहाँ उतरा कान में दर्द दिखा के, कह रहा चलो बस हो गया ठीक। अभी भी सफर बहुत लंबा है, अभी तो लखनऊ नहीं पहुंचे हम, एक यहीं बजा दिया है। इतने में तो लखनऊ क्रॉस कर लेना चाहिए था। एक बार अपनी बाइक आगे लाओ, जरा देखो लात लगानी होगी तो कैसे लगेगी इसमें लात। साहिबा की बाइक में सिर्फ 9 किलोमीटर रह गया, 9 किलोमीटर में पेट्रोल पंप नहीं आया तो पेट्रोल ख़त्म, उसके बाद लगानी पड़ेगी लात। पीछे एक पेट्रोल पंप आया भी था तो मैंने इससे पूछा, इसने बोला 90 किलोमीटर चलेगी। मेरे को लगा 90 में शायद आ ही जाएगा, अभी तक तो नहीं आया। हाँ एग्जॉस्ट से लग जाएगी लात, ठीक है। जैसे 0 किलोमीटर रह जाए ना मेरे को बताना, उसी टाइम लात लगा दूंगा। टोल वाले भाई साहब से एक बार पूछते हैं, पेट्रोल पंप, यहाँ पेट्रोल पंप है अंदर? पेट्रोल पंप ऊपर है, मिल जाएगा। कितनी दूर? 13 किलोमीटर पे। 13 किलोमीटर पे वो रेस्ट एरिया है जो, हाँ हाँ, 217 पे एग्जैक्ट 13 किलोमीटर है। हाँ। पक्की बात है, वो आएगा इधर ही। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ से अंदर कितना है? 3 किलोमीटर। यहाँ से अंदर 3 किलोमीटर, नीचे उतरी वो 13 किलोमीटर मिल जाइए। 5 किलोमीटर दिखा रहा चलेगी बाइक। अच्छा उधर पक्का है? आगे तिराहा है। हाँ। तिराहा 1 किलोमीटर इधर मरना। हाँ। 15 रुपया लगे आगे, एक गाड़ी जब आगे जाइए, जब बाहर जाएगी तो आगे ऊपर जाइए जब चढ़िए तब 2 किलोमीटर दिखा रहा है। ओ भाई 1 किलोमीटर दिखा रहा है। चलो चलो फिर नीचे से डलवा लेते, खुलवा दो फिर। यहीं से मारना अपने को यू टर्न ना,
तुम आगे रखो, एकदम से बाइक बंद होगी तो मेरे को बताना, चलते चलते मैं लात लगा दूंगा। चलाओ चलो अपनी स्पीड से चलाओ, ऐसा थोड़ी है धीरे चलाने से कम पेट्रोल पिएगी, उसमें जो पीना वो पिएगी। देख लो भाई BMW 0 किलोमीटर में भी चल रही है, 0 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले ही आ गया था और अब यहाँ से दिखा रहा है सिर्फ 800 मीटर, 750 मीटर। देखा पहुँच गए ना, तभी कहते टेंशन ना लिया करो, जो होता है बढ़िया ही होता है। कैमरा चलता रहता है, हम लोग आएंगे फोटो। अरे तुम्हारी आ रही है फोटो एकदम। नाम बताओ अपना। तरुण कुमार। कौन से गांव से हो? खड़िया। हाँ। ये जो यहीं पर पास में ही है। हाँ। अरे वाह, चलो बाय बाय सबको। सबको गाड़ी पसंद आई और सबके सब हैरान है, दोनों बाइकों में 43 लीटर पेट्रोल आ गया है, 44.5 लीटर। अबे आमिर भाई को क्या हो गया, बचा लिए 20 रुपए। 20 रुपए नहीं, 30 रुपए दे के आए हैं। क्या हुआ भाई के साथ? पोटी आई। अरे सुन, फिर उन्होंने कर ली पोटी, कर ली। अब धोने का जो गार्ड निकल रहा है वो जमीन पे रगड़ रहा है। अच्छा, पोटी करके जमीन पे रगड़ रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है ध्यान से जाऊंगा। आमिर भाई प्रेशर तेज आया था क्या? ठीक हो ना? रगड़ लिया ना। ठीक है चलो फिर। बर्गर लाए हो क्या? बर्गर अरे बर्गर ये थोड़ी लाया, मंगाया था क्या, ऑर्डर किया था क्या? भैया एकदम से ना यहाँ के रुक गए, फोन पे बात करने लग गए। आज कह रहा मेरा बर्गर आया है। अकेले का ही मंगा लिया साले तूने, हमारे लिए नहीं मंगाया। तू भी आ जा बर्गर खा के, मैं जा रहा हूँ। क्या लेफ्ट ले लूँ यहाँ से? इसी ने बोला लेफ्ट ले ले। इसको लगा थाने में अंदर नहीं जाऊंगा, कोई हमने चोरी थोड़ी करी है, थाने के अंदर तो कोई भी बंदा जा सकता है ना। खन्ना को लगा मैं बोलूंगा लेफ्ट ले ले, जाएगा ही नहीं, डर जाएगा, डरे हमारे दुश्मन। लो पहुंच गए हम लोग लखनऊ, ये वही टोल है जहाँ पर हमारी गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही रह गई थी जब हम नेपाल जा रहे थे ना, मैं S2 लेके जा रहा था। एग्जैक्ट इसी जगह पे हम खड़े हुए थे रेस्ट करने के लिए कि 5-10 मिनट रेस्ट करते फिर आगे निकलेंगे, और भाई साहब चाबी अंदर ही रह गई थी और 3 घंटे यहीं खड़े रह गए थे। हो जाता है भाई, जब आप ट्रैवल करते हो ना तो आपको कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाए, जो आपने सोचा भी नहीं होता ना वो भी हो जाता है। नींद तो नहीं आ रही? ठीक है, रोड ऐसी थी ना सीधी सीधी तो अक्सर नींद आ जाती है बंदों को, लेकिन मेरा पूछना फ़र्ज है सबसे कि भाई नींद आ रही है तो चाय पी लेंगे, भूख लग रही है तो कुछ खा लेंगे, सुसु पोटी आ रही तो वॉशरूम चले जाएंगे। क्या बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना ये, मेरा ही मानना है ऐसा एक ट्रक चलाऊं एक बारी। कुछ ऐसा हुआ जिसपे मैं यकीन नहीं कर पा रहा आज, कुछ अभी कुछ ऐसा हुआ जिसपे मैं यकीन नहीं कर पा रहा। क्या? आमिर भाई की जेब से 20 रुपए गिरे हैं। पहले बताओ कहां से आए, क्रू को तुम्हारे पास 20 रुपए कहां से आए? नहीं, ये गड़बड़ है, किसी की तो जेब मारी है तुमने। ये क्या नोट गिरा रहे भाई आज? पर्ची तो मेरी ले लो। ये 20 मेरे को दे दे यार प्लीज भाई ये 20 मेरे को दे दे यार, मैं इनको संभाल के रखूंगा उम्र भर। भाई मुझे ये नहीं पता, जो भी है भाई ये 20 मेरे को दे दे, मैं इसको दीवार पे सजाऊंगा जिंदगी भर भाई। और हर्ष और खन्ना की बाइक में पेट्रोल खत्म है तो यहीं से डलवाते हुए जाएंगे, अपने को तो जरूरत नहीं है, अभी दिखा रहा है 450 किलोमीटर चलेगी अपनी, तो जिसको वॉशरूम जाना है कहीं पर भी जाना है हो आओ, जब तक वो पेट्रोल डलवाते हैं। तुम्हें नहीं डलवाना? कितना किलोमीटर दिखा रहा है अभी? दिखा रहा है 80। तो डलवा लो ना फिर 80 के, दोबारा रखोगे 80 किलोमीटर के बाद? डलवा लो। देखो जो मैं घर से प्लान करके निकला था ना कि 2 दिन में हम गुवाहाटी लगा देंगे, पहले दिन लगाएंगे हम गोपालगंज जो कि बिहार में आता है, करीबन दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर, यहाँ से अपने को राइड जाना है, और दूसरे दिन अपन लगा देंगे सीधा गुवाहाटी। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा, देख जाने दो इनको जाने दो। अरे ये तो यहीं ब्रेक मार ली इनने, यू टर्न ना मार लेना। हाँ लेकिन मेरे को अभी लग नहीं रहा ऐसा, क्योंकि अभी भी गोपालगंज जो दिखा रहा है यहाँ से दिखा रहा है 447 किलोमीटर, रात को 11 बजे दिखा रहा है, लेकिन अभी भूख भी लग रही है
तो लखनऊ क्रॉस करके कुछ खाएंगे, एक घंटा उसमें जाएगा, रात को 12 बजे पहुंचेंगे, सुबह फिर 6 बजे कैसे निकल लेंगे, वीडियो भी एडिट करनी है, देखते हैं जैसा भी होगा कर लेंगे मैनेज। दिखे थे हम तुम्हें? अच्छा अच्छा, अरे अरे यहाँ हर कोई पान खाता है ना, है ना। हाँ दिख रहा है बाहर भी चीटें गिरी हुई हैं। सर यहाँ थोड़ा जाम है, बस देख के चलाना, सारे लोग ना कोई भी कहीं से भी आ जाता निकल के ना। देखो आंटी जी को, तो भाई सीन ऐसा है अभी 4 बज रहे हैं और आधे पौने घंटे में ना सारा ऑफिस वगैरह छूट जाएगा, जाम मिलेगा अपने को, लेकिन सब कह रहे हैं भूख लग रही है और लखनऊ में ही खा के जाना है कुछ बिरयानी बिरयानी, और मेरे को सामने बिरयानी वाला दिख भी रहा है, एक बार जाके देख लेते हैं, वहीं खड़े होके खा ले फटाफट से 5-10 मिनट के अंदर अंदर खा के आगे निकल जाएं। इधर एक बढ़िया चीज़ दिखाऊं भाई, मेरे को ना आया गुस्सा कि भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैंने पैर मार दिया है जमीन पे। हंस रहा मतलब गुस्से में ऐसे कर दिया मैंने, अबे तो गैस छोड़ दिया मैंने, गैस तो आमिर भाई छोड़ रहे हैं ना, मैं पैर मार रहा हूँ भाई, छेद ही हो गया पूरा, और अब देखा मैंने सोच में इसके अंदर स्टैंड लगाया था बाई चांस, कसम से भाई वाट लग जाती, उतरने के बाद देखा पूरा खड्डा है भाई, सोना सोना तो नहीं छुपा रखा, ढूंढू के अंदर हाथ मार के, आमिर भाई ये पता नहीं मैंने पैर मार दिया गुस्से में और छेद हो गया। आगे लो भाई। ये देखो मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है, हाँ मैंने पैर मारा छेद हो गया, बाइक को आगे पीछे कर लो, है ना बाइक आगे कर ले तो पता चले। खन्ना ले आया समोसे एक्टिंग करने के लिए, एक्टिंग करने के बाद जैसी वीडियो खत्म होगी फिर खाने का बिरयानी। ये भी ना बात, चीयर्स भाई। जहाँ पैसे खर्चे हो ना वहाँ कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। दो बोतल कोक ले ली थी, आधी आधी बज गई, एक में मिला रहे हैं, कोक बॉक्स का सही फायदा उठाएंगे। हमने मीटअप अनाउंस किया था क्या? हो गया भाई, ये बिरयानी पे चर्चा हो गई है भाई, बिरयानी पे चर्चा हो गई है, ये बाइक का प्यार है भाई, कैसे हैं हाल चाल? बस बढ़िया, हमारा बढ़िया सर, डाल रहे हैं, फ्री खा रहे हैं, मेरे मलाई खा रहे हैं, कुछ भी खा ले, रस मलाई खा रहा हूं, खाने के बाद मीठा तो होना चाहिए ना, ठीक है आज वो खाए, कुछ भी चलेगा भाई, अल्लाह की तहलका मचा दिया तुम तो। बाइक बाइक है ना, देख रहे हैं कितनी दूर से लगी दिख रही है ना बाइक भाई, चले बहुत सारे फैमिली के मेंबर हमारे सब्सक्राइबर मिले यहाँ पर, मज़ा आया, सिर्फ बाइक देख कर आए हैं क्योंकि अभी हमने कहीं पर भी नहीं डाला हुआ, हम लखनऊ पहुँच गए या कहाँ पहुँच गए, लेकिन अच्छा लगा। चलो बाय 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 बाय, सबको बाय बाय, हाँ हाँ सबको डाल दिया वीडियो में, बाय 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 बाय। बिरयानी बढ़िया, मिठाई बढ़िया, जितनी अपनी फैमिली मिली वो सब बढ़िया। अब हम पहुँचेंगे 11:35 जो कि दिखा रहा गूगल मैप 436 किलोमीटर, अगर पहले नहीं रुक जाते तो। कौन आ गया भाई, कौन आ गया? स्कॉर्पियो आई है, रेंज रोवर आई है, ओके स्पोर्ट्स, और एक और गाड़ी आई है, और एक और गाड़ी, भाई साहब कितनी गाड़ी, हमें भी पहुंचना भाई जल्दी, हमें भी ले जाओ साथ। ओ भाई इनोवा में भी बज रहा था, यहाँ सारे मंत्री हैं क्या भाई? हर गाड़ी में मंत्री है यहाँ पर, लखनऊ है ये मेरे दोस्त, लखनऊ शहर में, नवाबों के शहर में आपका स्वागत है। ओ भाई साहब सही लग रहा है यार ये तो, इसको ऐसे पकड़ो, भोलेनाथ की फोटो है, क्या करूँ इसका, अबे फोटो खींचेंगे, अबे भाई मेरी के फोटो खींचोगे, ले रहे पकड़ पकड़ एक बारी, ओ भाई क्या मेरे आसपास क्यों भीड़ लगा रहे हो, सबसे अमीर बंदा हमारे पता कौन है ये, ओए पैसे दे सबको, समझ ही नहीं आया एकदम से रेड लाइट पे क्या क्या हो गया, वहां से वो खिलौने दिखा रहे हो, वहां से उसने पर्ची पकड़ा दी, इतनी पुलिस खड़ी है तब भी इनको मना नहीं करती, ये जो पैसे मांग रहे होते हैं कि इनको मना करे, हाँ कोई सामान बेच रहा है बेचे, लेकिन खाली आके पैसे ही मांग रहे हैं, उनको तो मना करे कम से कम। भाई साहब इतने सारे थैले लेके जा रहे हैं, गिफ्ट गिफ्ट, आज तो पार्टी है, सही है, एक आधा थैला हम भी ले लें क्या, लो भैया एक थैला हमें दे दो। ये देखो भाई आप हाईवे पे जाते हो, जितने भी आपको छोटी छोटी दुकानें दिखती है ना वो घोड़े बेच रहे होते हैं, वो कितने सारे घोड़े हैं, ऊँट है, क्या क्या है, सब पैक होके जा रहे हैं, हमने भी खरीदे थे अपने घर के लिए। कहाँ जाएंगे अभी तो बिहार जाएंगे, यहाँ कब से पैसे लगने लग गए, पहले तो नहीं लगता था, कब से, जब से ये अभी तो मैं एक साल पहले बाइक पर आया था तब नहीं लगा था,
चालू हुआ हमेशा। अच्छा जी, हम दिल्ली से आ रहे हैं। कंपनी का हायर करते हो भाई? हाँ, BMW वाला देता है चलाने को। हाँ जी, हाँ जी, चलाने को देता है, चलाने को चलाओ। तो अभी अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ये जो एक्सप्रेसवे से हम जा रहे हैं ना, यहाँ से आज तक हम गए नहीं है। तभी मैं बोलूँ टोल तो दिया ही नहीं आज तक, कैसे कैसे हो सकता है, हमने टोल देखे गए यहाँ से। तो अभी अभी हमें किसी ने बताया कि भाई ये एक्सप्रेसवे जो है, मतलब जब भी हम जाते हैं हम कहीं और से ही जाते हैं, ये कोई और ही रास्ता है। अरे कोको आ गया, ये फिर से मिल गया कोको। तो ठीक है, चलो जैसा भी रास्ता है, रास्ता सुंदर ही होगा। अब इतना ज़्यादा टोल लिया है तो बढ़िया ही होगा, चलते हैं, देख लेंगे, आपको भी दिखा देंगे। वो देखो आज कोको हमारे साथ साथ ही जा रहा है। देखते ही देखते दिन से अंधेरा होने वाला है और हमने करीबन करीबन 570 यहाँ पर है, 25 और लगा लो, करीबन करीबन 600 किलोमीटर चला दिए, 5:30 हो चुके हैं और आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा, रोड दिखनी बंद हो जाएगी। अब देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं कहाँ तक नहीं जाते। लेकिन बढ़िया लग रहा है यार एक्सप्रेसवे, सही है। हर बार हम यहाँ से क्यों नहीं जाते, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, हर बार हम कहीं और रास्ते से क्यों जाते हैं अगर ऐसा एक्सप्रेसवे यहाँ पर है तो। बिल्कुल लखनऊ जैसा ही है, जैसे लखनऊ में पैसे दे के जाना पड़ता है ना, यहाँ पर ही बाइक के पैसे लगते ही लगते हैं। ये देखो भाई, आमिर भाई को फुल मजे आ रहे हैं और सूर्य देवता भी कितने बढ़िया लग रहे हैं। आमिर भाई फुल मस्ती में गाने सुनते हुए जा रहे होंगे 100%। सही है भाई, सही है, सबको मजे आ रहे हैं। इतने टाइम बाद हम लोग ऐसी लॉन्ग राइड पे निकले हैं ना सारे साथ में, अलग ही लेवल के मजे आ रहे हैं भाई। पता नहीं GoPro में नजर आएगा नहीं आएगा, लेकिन सूर्य देवता देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, साइड मिरर में नजर आ रहे, क्या सही लग रहे हैं ना एकदम। पीछे पूरे बादल ऑरेंज ऑरेंज हो रहे हैं। हम लोग पहुंच गए अयोध्या, अयोध्या के लिए यहाँ से लेफ्ट हो जाना है, लेकिन अपने को लेफ्ट नहीं होना, अपने को सीधा जाना है। 6:15 हो गए और 15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। मैंने तो 120 पे क्रूज सेट कर दिया है, 120 पे चल लो जब तक हाईवे है। मुझे नहीं पता ये हाईवे कितना लंबा है, कहाँ तक है, जब तक मिल रहा है मजा आ रहा है चला लो। मैंने अपनी येलो वाली लाइट भी ऑन कर दी है, व्हाइट वाली भी कर दी है, लेकिन आमिर भाई का इशारा आ चुका है, उनको आ गया फिर से सुसु। अब रोक के ना सुसु नहीं करेंगे, बातें करके फिर चल पड़ेंगे। पता नहीं क्यों रुकवाते, मेरे को समझ नहीं आता। बड़े आगे जाके लाइट देखूं। ओए होए 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 होए, तगड़ी है भाई। और मेरे पास ना फ्लैशर भी है, ये जो येलो लाइट है ना, अगर मैं हाई बीम वाली लाइट को 3 बार ही क्लिक करता हूँ, ये देखो 1, 2, 3 देख रहे हो, 3 बार ही फ्लैश मारती है ये। सही है, बढ़िया। हेलमेट का वॉइजर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना, मच्छर चिपक चिपक के, शायद आपको विंडस्क्रीन में नज़र आ रहे हो, बहुत सारे मच्छर चिपके हुए थे। अभी क्लियर कर लिया, अभी एकदम सामने क्लियर दिख रहा है। सो इट्स टाइम टू रिफ्यूल अगेन। मेरे को नहीं डलवाना, मेरी बाइक तो दिखा रही है 300 किलोमीटर और लगभग लगभग हम चला चुके हैं 780 किलोमीटर आज में ही। तो जिनके जिनके बाइक में पेट्रोल कम है डलवा लेंगे, आगे पता नहीं, हो सकता 100 किलोमीटर बाद आए पेट्रोल पंप, या हो सकता है 200 के बाद आए, अपने को नहीं आइडिया। और जहाँ का मैंने गूगल मैप लगाया हुआ ना गोपालगंज का, वो दिखा रहा है 216 किलोमीटर अभी भी। लो भाई यहाँ आ गई गर्मा गर्म चाय, इसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। सही बात है ना, बिल्कुल। कितने की है चाय? 10 रुपए की। बढ़िया बनाई हुई है, हमें भी थोड़ा ऐसा होता चाय वाय पी ले, अभी 200 किलोमीटर और बाइक चलानी है। आ जाओ आमिर भाई, चाय पी लो, पकड़िए पकड़िए जी, थैंक यू। लो भैया चेयर्स है, चेयर्स। और एक बार आमिर भाई की शक्ल देख लो भाई, क्या हो गया तुम्हें ऐसा, क्या हो गया, ज्यादा बाइक चला ली क्या? अभी तो सिर्फ 750 किलोमीटर चलाई है, 780 किलोमीटर चला चुके हैं सुबह से। दा मिक्सर दियो, कहाँ से आए ये? वो भी गिन रहे हैं जो दिल्ली में चलाई थी। अबे कर रहे हो तो भी सीन ऐसा है, रात के बज चुके 9:35 और ये रहा हाईवे। पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़े हुए थे,
डिसाइड कर रहे थे हाईवे से जाए या कहाँ से जाए। अगर इस हाईवे से जाते हैं ये पटना हो के हमें मुजफ्फरपुर लेके जाएगा, फिर वहाँ से पूर्णिया और पूर्णिया से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से गुवाहाटी, और अगर यहाँ से जाते हैं तो ये गोपालगंज होते हुए लेके जाएगा। लेकिन वहाँ से जाएंगे तो हमें कोई भी होटल नहीं मिलेगा। हालांकि किलोमीटर वहाँ से ज़्यादा है एक्सप्रेस वे से, लेकिन टाइम कम लग रहा है क्योंकि वो एक्सप्रेस वे है, और यहाँ से किलोमीटर कम है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है। मतलब सारा झोल मोल है, मिला जुला के हमने ये डिसाइड करा कि यहाँ से जाएंगे और गोपालगंज रुक जाएंगे आज। कितने की बाइक है? कौन सी वाली? सारी अलग अलग रेट हैं। ये आपकी कितने की? मेरी 30 लाख की। हाँ? 30 लाख की। 30 लाख की ये बाइक है? हाँ हाँ। बाइक की आवाज ही बंद हो गई, खाली जीप बाहर रह गई है। क्या इसमें लगा? इसमें लगा है रॉकेट का इंजन। ये देखो क्या बढ़िया हाईवे छोड़ के हम कैसी रोड पे आ गए हैं। और यह बोर्ड तो लगा हुआ है, क्या लगा है, जहानागंज और गाजीपुर के लिए राइट, लेकिन अपने को जाना सीधा। अब अपने को नहीं पता ये कौन से रूट से लेके जा रहा है, सब कुछ गूगल पे छोड़ दिया है मैंने। मैंने सीधा लगा दिया गोपालगंज, पता नहीं कहाँ जंगल के बीच में ले आया, लेकिन ज़्यादा स्पीड से नहीं चला रहे, 50-60 ही रख रहे हैं, कहीं से कोई कुत्ता बिल्ली निकल के आ जाए और दिक्कत हो। धीरे धीरे पहुँच जाएंगे, 3 के 4 घंटे लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से पहुँच जाए। कोई तो जगह आई है, रोड पे मंदिर भी बना हुआ है, हनुमान जी का है, किसका है, हनुमान जी का ही है, ऑरेंज कलर का मंदिर हमेशा हनुमान जी का ही होता है। मुझे नहीं पता भगवान ने इस बार क्या किया, बिल्कुल ही अलग रूट है, पहले वो हाईवे अलग ले लिया, अभी ये घोसी में घूम रहे हैं हम, GHOSI, पीछे एक HDFC का बैंक निकला था उस पर लिखा होता घोसी ब्रांच। कौन से रास्ते से लेके जा रहे कुछ नहीं पता, अपने को यहाँ से राइट होना है। मेरे को लग रहा है यहाँ से शायद अपने को वापसी हाईवे मिल जाए शायद। अभी मुझे सारे बताएंगे बिल्ली क्या करती है, मियाऊ, लेकिन हम पहुँच चुके हैं मऊ। ये है मऊ। जब भी मैं किसी शहर से निकलता हूँ ना, अगर बंदे कम दिखते हैं तो मैं बोर्ड वोर्ड पे पढ़ता हूँ, तो पीछे एक बोर्ड गया था किसी दुकान का, उस पर लिखा होता मऊ। पहले छोटे छोटे गाँव तो नजर आ रहे थे, अभी ये देखो भाई कौन से जंगल में से निकल रहे हैं कुछ नहीं पता, बीच में इक्के दुक्के घर है। बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रात के 11 बजे ऐसे जंगल में से निकल रहे हैं। अगर 5 बंदे ना होते ना, सिंगल बंदा होता कसम से वो डर जाता, लेकिन हम 5 हैं तो एक मुट्ठी बनी हुई है, एक दूसरे की ताकत बने हुए हैं और बस चलते जा रहे हैं। तो अपने को जहाँ पहुँचना है सिर्फ रह गया 44 किलोमीटर, 58 मिनट दिखा रहा है, लेकिन वहाँ खाना नहीं मिलेगा। अपने को दिख गया एक ढाबा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा यहाँ खाने के लिए, और बिहार हम लोग एंटर हो चुके हैं। ये लो भाई, ये आ गए चावल, आलू की सब्जी, अंडा कड़ी, और यहाँ चिकन, और वहाँ पर चिकन। तुम खाओगे अंडा कड़ी? खाओगे ना? सिर्फ ये इसने चिकन खाया है ज्यादा ना, खन्ना ने और किसी को। रात को इतना बढ़िया खाना मिल गया और क्या चाहिए बताओ। आ जाओ कोई नहीं आ रहा, खा लिए पी लिए और निकल लिए, और अभी भी हमारी मंजिल दिखा रहा है करीबन 43 किलोमीटर। पहले दिखा रहा था 12:15 पहुंच जाओगे, अभी दिखा रहा है 1:15 पहुंचेंगे। 1 घंटा हमने यहीं पर बैठ के खाना वाना खाया, बातें बातें करी। लो जी लो, पहुंच गए हम। ओ भाई ये चढ़ाई ऊपर और ये उतारी नीचे, और ये लगा दी हमने यहाँ पर अपनी बाइक। गोपालगंज में आपका स्वागत है। फाइनली रात के 1:15 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं, और आज करीबन हमने चला दी 1000 किलोमीटर। क्या बात है, टांगड़ आ रहा बीच में, ये देखो मैं वहां से चल के आ रहा हूं, बीच में टांगड़ आ रहा है। तू बचेगा नहीं उससे ना, तेरे वाले काम मैं नहीं करता भाई। ओ जिंदगी में तूने टांगड़ आना किसी भाई सीखा ही क्या? रुक जाना, हेलो बस मारो मारो मारो। किसी का कोई गुरु होता है ना, तेरा गुरु कौन है? मेरी जिंदगी का गुरु है मेरी गुरु मुझे भाई, मेरी जिंदगी में बहुत सारे गुरु रहे हैं। ठीक है नाम नहीं बताना, चल चल कोई बात नहीं। मेरी जिंदगी का गुरु है मेरा गुरु, मेरी जिंदगी की जो मैडम है ना मेरी, वो मेरी मैडम है। जो मेरी स्कूल की टीचर, वो स्कूल की टीचर भाई। आया रूम वो भाई, चाबी मारी उसने, चाबी मारी भाई बैग के ने, चाबी देख रहे हो भाई कितना मारता मेरे को। तो भाई ये रहा हमारा रूम, और अगर आपको याद होगा पिछली बार जब मैं गुवाहाटी से निकला था, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लगाया था, और कल हम सोचा डायरेक्ट गुवाहाटी लगा देंगे। यहाँ से गुवाहाटी करीबन 1100-1200 किलोमीटर है,
आज 1000 किलोमीटर चलाई है, लेकिन जो मजा आया ना, एक नंबर भाई, एक नंबर भाई, मजा आया नहीं आया राइड का? जन्म आंखें देख कैसे लाल हो रही है तेरी भाई, एकदम नींद भरी हुई है भाई, मजा आया नहीं आया? बहुत बढ़िया मजा आया। आमिर भाई, आमिर भाई को नहीं आया मजा आया? एक नंबर ना, एक नंबर आया आपको? वो कह रहे मजा एक नंबर आया भाई, मजा एक नंबर। तो भाई होप करते हैं आपको भी आज के व्लॉग में मजा आया होगा। मेरे को लग रहा है आज का व्लॉग हमने कुछ ज़्यादा ही लंबा बना दिया, लेकिन ठीक है यार, राइड करते हैं ना तो अच्छा लगता है, जो जो चीज़ें दिखती है वो दिखाते हैं, जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको बताते हैं। बस यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। कल हम उम्मीद है गुवाहाटी लगा देंगे, उम्मीद क्या कल लगानी पड़ेगी क्योंकि परसों शादी में भी जाना है, देख लेंगे यार जैसा भी होगा मैनेज कर लेंगे। यहाँ तक देख लिया, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, गुड नाइट है, गुड नाइट है। मैं अलग से गुड नाइट करनी पड़ेगी भाई, फोन ही गिराने वाला था ये आदमी। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।